काले पीले दांतों को बिल्कुल दूध के जैसा व्हाइट कर देना है अपने दांतों को। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि दूध ले लेना है। नींबू लेने के बाद आप 4 से 5 बूंद के मात्रा में उस नींबू को निचोड़ देना, जरा सा उसमें नमक डाल देना है आपको। नमक डालने के बाद उसी से आपको अपने दांतों को घिसना रहता है, दांतों को आपको उसी से घिसना रहता है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपके दांतों का दर्द जो है वो दांतों का दर्द बिल्कुल धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपका दांत जो काला पीला हो गया है वो धीरे धीरे बिल्कुल दूध के जैसा वाइट हो जाएगा। और अगर आपके दांतों में दर्द है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके दांत काले पीले हैं तो भी आप इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम नाथ रोहा, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप इसे देख रहे तो जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ आपको बताने के लिए। दोस्तों आप इसको देख लो और पहचान लो। दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि जिनके दांतों में दर्द रहता है, उनके दांत बिल्कुल पीले हो चुके हैं। बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं, बहुत सी हमारी माताएं हैं कि जो गुटखा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, गुटखा खाने की वजह से ऐसा होता है कि उनके दांत पीले हो जाते हैं। और हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं कि जो अपने दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, उनका दांत काला पीला हो जाता है, गुटखा खाने की वजह से काला पीला होता है। तो दोस्तों आज मैं उसी के लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, उस नुस्खे का इस्तेमाल करके आपको अपने काले पीले दांतों को बिल्कुल वाइट कर देना है, दूध के जैसा वाइट कर देना है अपने दांतों को। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है कि दोस्तों आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या नॉर्मल दर्द रहता है, तो ये औषधि जो मैं बता रहा हूँ, इस औषधि का आपको इस्तेमाल करके 5 से 10 मिनट के अंदर में आपके दांतों में आराम तुरंत हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं औषधि, इस औषधि को देख लो और पहचान लो। दोस्तों ये जो औषधि देख रहे हो ये नींबू है। नींबू तो आपको पता है हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, भारतवर्ष का कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ पे नींबू नहीं पाया जाता हो। दोस्तों ये हमारे पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, इसी नींबू का आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कर दांतों के दर्द को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, और आपके काले पीले जो दांत हैं उन काले पीले दांतों को बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद कर देना है इस औषधि का इस्तेमाल करके। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आराम से मिल जाता है, आप छोटा वाला नींबू लो, कागजी नींबू लो या बड़ा वाला नींबू लो, आपको दोनों में से कोई सा भी एक नींबू ले लेना है। नींबू लेने के बाद आपको करना क्या है कि दोस्तों उस नींबू को ले लेना है और उसको थोड़ा सा निचोड़ देना है, थोड़ा सा 4 से 5 बूंद के मात्रा में उस नींबू को निचोड़ देना, और बिल्कुल मामूली सा जरा सा उसमें नमक डाल देना है आपको। नमक डालने के बाद उसी से आपको अपने दांतों को घिसना रहता है, दांतों को आपको उसी से घिसना रहता है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपके दांतों का दर्द जो है वो दांतों का दर्द बिल्कुल धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और आपका दांत जो काला पीला हो गया है वो धीरे धीरे बिल्कुल दूध के जैसा वाइट हो जाएगा। और अगर आपके दांतों में दर्द है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके दांत काले पीले हैं तो भी आप इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांत काले पीले हैं गुटखा खाने की वजह से हैं, या वैसे भी काले पीले दांत रहते हैं कुछ लोगों के कि दांत पीले पीले रहते हैं, अगर ऐसा है तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप करोगे तो आपके दांत बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे, और आपके दांतों में जो दर्द रहेगा वो दर्द भी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ दिनों तक इसी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये रही आज की जानकारी, जानकारी कैसी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुँच सके और वो भी इस औषधि का लाभ ले सकें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।